चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में मिलता है। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों केवल गुरुदेव आपके चरणों में मिलता है। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन हो मेरा पर मन नहीं डगमग हो मेरा रहे ध्यान आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। केवल गुरुदेव आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ निर्देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में।
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो साहब सरकार की जय। दूजी और ध्यान दे कि पृथ्वी है ही नहीं, पृथ्वी को ले गया हिरण्याक्ष। अब पृथ्वी होगी नहीं तो सबको बिठाओगे कहाँ, रखोगे कहाँ? अब ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि जब मैया पृथ्वी नहीं है, लोगों का जीवन तो पृथ्वी पे है, पृथ्वी ही नहीं होगी तो जीवन कहाँ? इसलिए ब्रह्मा जी को चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री हरि नारायण को पुकारा। भगवान नारायण आए, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान नारायण, आप पाताल लोक को चले जाएं और पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर के आवे। यदि आप पृथ्वी को लेकर के नहीं आए तो ये संपूर्ण सृष्टि मैंने जिसका प्रादुर्भाव किया है, ये पृथ्वी के बिना ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आज भगवान नारायण को ब्रह्मा जी ने भेजा पाताल को, तो भगवान नारायण ने कौन सा स्वरूप धारण किया? शूकर का स्वरूप। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर से मल इत्यादि जमा है, भ्रष्टा पड़ी। अब देखिए जरा विचार करिएगा कि जो रूप भगवान ने बनाया है, अगर किसी सर्वसाधारण से कह दो कि तुम बहुत बड़े क्या हो, ऐसा शब्द अगर किसी से कह दो कि तुम बहुत बड़े, देखो बबलू ने बोल दिया, कहते कही रहे हो ऐसे सामने मुंह करके कहो तो यह लगे कि हम देह कही रहे हैं। अब ये शब्द सुनकर के बुरा लगता। अब भगवान नारायण ने वो रूप ले लिया, फिर उस मल को हाथों से नहीं हटाया, उस मल को, उस भ्रष्टा को प्रभु ने अपने मुख से हटाया। हटाने के बाद मैया पृथ्वी को ले लिया प्रभु ने, लेकर के चल पड़े। जब पृथ्वी को लेकर के जाने लगे, नारद जी ने देखा कि अभी पृथ्वी तो जा रही है, परंतु ये दुष्ट रह जाएगा और अगर इस दुष्ट का वध ना हुआ तो भी अनर्थ है, इसकी भी मुक्ति हो जानी चाहिए भगवान के हाथों से। जिसका मरते समय भगवान का एक बार नाम आ जाए तो मुक्त हो जाए, और जिसको भगवान अपने हाथों से मारे उसे तो सदगति मिल जाए, तो इसकी मुक्ति भी हो जाए। नारद जी आए हिरण्याक्ष के पास में और कहा, ए हिरण्याक्ष, तुम बड़े सावधानी में बैठे हो, तुम्हारी धरोहर जो है ना, तुम्हारी वो धरोहर लेकर के भगवान विष्णु जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले अभी अभी देख के आया हूँ, लेके गए वो, जाओ जल्दी संभालो नहीं तो वो ले गए। हिरण्याक्ष चला, अपनी खड़ग संभाली, अस्त्र शस्त्र संभाले, और पीछे से आता है, आवाज देता है, ओ चोर ठहर जा। बोला ओ चोर ना आगे बढ़, क्या आका चोर। हिरण्याक्ष ने भगवान को चोर की संज्ञा दे दी। बिहारी जी ने विचार किया, भगवान नारायण ने विष्णु ने बोले, चोर कहता है, चोर कहने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हम चोर हैं। क्यों भाई, भगवान चोर है कि नहीं? चित्त चोर, माखन चोर, चीर चोर, हम तो चोर हैं। अब अगर चोर को चोर कह दो तो कोई बुराई भी नहीं, चलो छोड़ो। चलते बने, फिर पीछे से आवाज लगाई, रे कायर ठहर जा। भगवान ने विचार किया, ये भी सही बोल रहा है, जब हम मथुरा में थे कालेवन आक्रमण करने आया तो हम पीठ दिखा के रण छोड़ के भागे थे, वहां पे कायरता भी सिद्ध हो गई, फिर चल पड़े। फिर पीछे से आवाज लगाई, यदि तूने अपनी मैया का दूध पिया है तो ठहर जा। भगवान नारायण विचार करने लगे, ये भी वैकेंसी रद्द हो गई, जन्म हुआ मथुरा में मैया देवकी के यहाँ और दूध पिया गोकुल में मैया यशोदा का, मैया का मिले नहीं पीने, फिर चल पड़े। फिर आवाज लगाई पीछे से, रे दुष्ट ठहर जा। बोला ओ चोर ना
ना आगे बढ़ ये हिरण्याच की थाती है। चोर लगे बढ़ ये हिरण्याच की थाती है। चोरी से भागा जाता है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज न तुझको आती है। भगवान नारायण ने विचार किया अब तो ये सीमा पार कर रहा है इसलिए ठहर जाए, पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया। पीछे मुड़ करके देखा तो जब देखा तो इसके पाप नष्ट हो गए। सन्मुख होए जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश तब ही। जी सन्मुख हुआ तो इसके पाप नष्ट हो गए। अब भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दे दिया जाओ इस दुष्ट की ग्रीवा का भेदन करो। सुदर्शन चक्र चला, हिरण्याक्ष की ग्रीवा का भेदन हो गया, हिरण्याक्ष को मुक्ति प्राप्त हो गई, मुक्त कर दिया हिरण्याक्ष को। अब पृथ्वी को जल पे रख दिया। अच्छा सच बताना, यहाँ जो हमारी माताएं बहने भैया लोग दादा लोग बैठे हो, कितने ऐसे लोग हो जो धरती माता को रोज प्रणाम करते हो? सच बोलना, दरबार में झूठना उठाना हाँ। जो लोग धरती माता के रोज पैर छूते हैं नीचे कर लो, चार ही पांच लोग हो, बाकी तुम लोग अपन अपन पांव छूते हो का? क्यों नहीं स्पर्श करते हो धरती माता को? प्रातः काल जब सो के जगते हो तो मैया पृथ्वी को प्रणाम करने में कुछ चला जाएगा क्या? जितने भी आरएसएस संस्था के विद्यालय हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ज्ञान मंदिर, जहां भारतीय परिवेश धोती कुर्ता की वेशभूषा है आचार्यों की, ऐसे विद्यालयों में प्रातः स्मरण नित्य प्रति करवाया जाता है। और ये कोई आरएसएस की संस्था नहीं, ये संस्था हमारे साहब बाबा की है। नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, और डायरी हो तो डायरी में, प्रातः काल जब आप सो के जगे तो चारपाई पे, तखत पे, पलंग पे, बेड पे, सोफा पे, चटाई जिस पे भी आप लेटे हो उसी पे उठ के बैठ जाओ। और बैठ करके सबसे पहले आप किसी को न देखो। लेकिन नए युग में लोग क्या करते हैं, कुछ भले न देखे शीशा पहले देखे। हमने देखा सो के जगे तो पहले शीशा देखे थे, हम कई सलाह गए हैं शीशा न देखे, देखें क्या? तो आप सबसे पहले देखें अपने हाथों की हथेलियां। अब विचार करते होंगे कि इनमें है क्या, तो इन हाथों की हथेलियों में क्या है सुने। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती। हाथ के अग्र भाग में मैया लक्ष्मी का निवास है, हाथ के मध्य भाग में मैया सरस्वती का निवास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती और कर मूले तो गोविंद। ये मूल भाग है हाथ का। कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी मैया, मध्य भाग में सरस्वती मैया और मूल भाग में भगवान गोविंद माने ये न कह लेना अपने को कही रहे हैं। हाँ हम नहीं रहते, हमारा नाम गोविंद है ना। मूल भाग में भगवान नारायण का निवास होता है। ये बैठे बिहारी महाराज, इनका निवास है।
करमू ने तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। इसलिए प्रातः काल अपने हाथ देखे, सरस्वती मैया का दर्शन हो गया, लक्ष्मी मैया का दर्शन हो गया और हमारे नारायण भगवान का दर्शन हो गया। फिर क्या करें? अभी वहीं बैठे रहो, अभी उतरना नहीं है। उतरने से पहले की एक और विधा, जरूरी नहीं आप पढ़े हो, अब अगर पढ़े नहीं हो तो ये श्लोक भी नहीं पढ़ पाओ, तो श्लोक न कह पाओ, तो सीधी सी भाषा में हाथ दे दे, कुछ कहना नहीं है, हाथों का दर्शन कर लो। हे सरस्वती मैया, हे लक्ष्मी मैया, हे भगवान नारायण, कृपा कर आप हमें दर्शन दें, हमारा दिन शुभ बनावे, हम पर कृपा दृष्टि बनाए, इतना तो कही ले। ये तो कोई संस्कृत नहीं है, न कोई उर्दू है और न कोई तमिलनाडु की भाषा है, इतना तो कहना बड़ा आसान है। इसके बाद फिर मैया धरती को स्पर्श करे कैसे? समुद्र वसने देवी, भगवान विष्णु ने कहा रखा इसको? 12 अवतार में सागर में जल पर, तभी तो हिरण्याक्ष का वध किया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडलई, पर्वतों को स्तनों के समान धारण करने वाली विष्णु पत्नी, भगवान नारायण की पत्नी का पद मिला है धरती माता को। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। अब इसको सरल कर लो, हे सागर में समुद्र में रहने वाली माँ, पर्वतों को अपने ऊपर धारण करने वाली माँ, हे भगवान विष्णु की पत्नी माँ, जब भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, तो धरती हमारी माता है। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब हम अपने चरण तुम्हारे ऊपर रखने जा रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा करना, क्योंकि मानव का संपूर्ण जीवन मैया पृथ्वी की गोदी में है। सोना जागना खाना पीना माने जितनी भी लीला है, इसी में जन्मे और इसी में मिलना है, तो फिर जब इनके ऊपर चरण रखना है तो क्या हम सुबह इनसे प्रणाम करके क्षमा भी नहीं मांग सकते? मंत्र हीनम क्रिया हीनम, हमें मंत्र तो आता नहीं, क्रिया करनी आती नहीं। भक्ति हीनम सुरेश्वरी, भक्ति भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम सुरेश्वरी अव्यक्त पूजितम मया देवी, फिर भी हम आपके चरणों की पूजा कर रहे हैं। क्षम्यताम परमेश्वरी, मैया मुझे क्षमा करना, हम अपराध करने जा रहे हैं, इतना तो कर सकते हो। अच्छा बताओ, कल से कितने लोग पृथ्वी माता को पैर छुएंगे रोज? इधर वाले लोग बताओ, माताएं बहने वो लोग तो करते हैं, कितने लोग पैर छुओगे रोज? कोई नहीं। माने कंचन कमला कर गए कंचन बरसत नीर, और जिनके कर्म दरिद्र है बूंदन परे शरीर। धरती माता पांव छुए शरम आ रही, कतई न छुओ, भगवान करे बिल्कुल न छुओ। अब जब आज पांव नहीं छुए तो कल ये हाथ है नहीं रही है, छुओगे काहे? बड़ा कठोर शब्द है। हाँ, प्रतिदिन प्रातः काल संध्या काल हमारी एक बिटिया है, कन्या हमारी बेटी, और यहीं बैठी भी है। हम लोग कहते हैं सुबह सुबह पैर छू लिया करो, और उसकी विधा इसी बन गई पैर छूने की। अगर वो तखत पे बैठी हो तो कहो तखत है कौन छूने लगे, रास्ता चला जा रही हो तो कहो 10 बार धरती में ये पांच हुए, ये पेड़ मिल जाए तो पेड़ कौन छूने लगे है बैठी। तुमने पूछा मैंने कहा पेड़ के पैर क्यों छूती? बोली पापा आप बताते हो पेड़ में भी भगवान रहते हैं, इसलिए पैर छू लेते हैं। अब उसका भाव बन गया तुलसी बाबा वाला। तुलसी बाबा कहते थे सी राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो सारे संसार में अपने सीताराम को देखते थे। वृक्ष में भी भगवान है, आप में भी राम जी हैं,
इस पुष्प में भी राम जी हैं, कुछ शेष नहीं है, जहाँ मेरे नारायण हो ना तो कम से कम इतना तो करो, अम्मा हमारी, दीदी हमारी, धरती मैया को प्रणाम तो करो, भगवान का धन्यवाद तो करो, जिन प्रभु ने हमें पृथ्वी ला के दे दी, जिन प्रभु ने हमको जीवन दे दिया। आप यहाँ से जा रहे हो अपने घर, सिरधरपुर या बल्लापुर या भिखरियापुर कहीं भी, अब इधर से कोई मोटरसाइकिल वाला जाए, तुम पैदल जा रहे हो, आपने हाथ दे दिया, उसने आपको बिठा लिया, तो जब आप अपने गांव बल्लापुर में उतरोगे तो उससे क्या कहोगे, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें बिठा के लाए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया, जिस परमात्मा ने हमें पृथ्वी ला करके दे दी, क्यों उसका एक बार धन्यवाद नहीं बनता है क्या, उसका भी तो धन्यवाद बनता है। तो ऐसे महाप्रभु को धन्यवाद बोले, आओ मिलके कहें, मुझे मेरे प्रभु जी ने बहुत कुछ दिया है, जिनको दिया है वो कह दो दिया है, और जिनको नहीं दिया वो कह दो हमसे लिया है। हाँ भाई, दिया नहीं तो लिया से। मुझे मेरे भगवान ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे प्रभु जी ने सब कुछ दिया है, हमें मेरे प्रभु जी ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात है, कोई है नहीं का चले गए सब, वाह बहुत बढ़िया, हम समझ गए कि तुम सब रागी हो, हाँ जब तक इनकी ढोलक में तान लगी तब तक तुम्हारी आवाज में दम रहा, और जैसे ढोलक बंद, अरे मिलके बोलो ना, तुम ना बजाओ ऐसे गाओ, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, थोड़ा और उच्च स्वर में गाइएगा, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, आधे लोग गा ही नहीं पा रहे, हमारे भैया लोग तो गा लेते हैं, हम समझ रहे हैं ना, ना अब आप इनकी पैर भी ना करो, हम बताओ, ये लोग सच्चे गाना गाते ही नहीं, ये लोग झूठा वाले गाइबे बहुत होशियार हैं, इनका दई दो ढोलक, अब ही ना गावे तो बताओ, इनका झूठा गाना गवाओ, बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला गई हैं, ये झूठे गाना इनका, ये कब होगा में ध्यान दे के आप सुनो तो इनके गाने में निकले, सोने की थाली माँ भोजना बनाए, उत्ते टाइम जाओ पूछोगे तो पत्तल लो माँ है रोटी धरिए को दिखाओ, है पत्तलो नहीं लेकिन थाली सोने है के, कहो देखियो ना हम सोने धरिया, झूठा गाना है कि नहीं, बैठी घर माँ बैठे ढोलक बजा रही गाना गा रही, अब बोली सोने के गड़ुआ माँ गंगा जल पानी, गई रहो गंगा जी पर, झूठा वाले गाते सच्ची गाओ,
न मिलती अगर लगती हुई दात तेरी, न मिलती अगर लगती हुई दात तेरी, तो दाती जमाने में औकात मेरी, तो दाती जमाने में औकात मेरी, तो दाती जमाने औकात मेरी, और तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मेरी जिंदगी का, हज पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो भी, मिला मुझको जो भी वो तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो भी वो तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, कुछ नहीं किया, किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूं मैं, किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूं मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूं मैं, भगवान से कह दो दिया।